हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज सौरभ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि इस तरह से दो आईज़ को मेजर कर सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं, और साथ में नोज़ को भी मेजर करके बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमसे दो आईज़ को मेजर नहीं हो पाता है, बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हो पाती दो आईज़, और साथ में नोज़ भी काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो मेरे को पता है काफ़ी एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हो पाता जब हम फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं या फिर किसी भी तरह से। तो इस वीडियो में एक मेथड बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ कर पाएंगे दो आईज़ को, और नोज़ को भी साथ में काफ़ी एक्यूरेट ड्रॉ कर पाएंगे अगर आप, जो भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो। और जो भी मैं आपको बताऊंगा आप उसको प्रिंट आउट के तौर पर भी कर सकते हैं और फ़ोन से भी कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट निकाल के करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट और ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ हो पाएगा, क्योंकि फ़ोन में जो जूम इन जूम आउट का प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, बट फोन से भी कर सकते हैं। मैं आपको फोन से ड्रॉ करके दिखाऊंगा, अदरवाइज आप प्रिंट आउट से करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लेट्स सी। सो गाइज, ये फोटोग्राफ है जिसको हम फोन में से देख के ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। बस ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट लगाना है, सिंपल सा पिक्सआर्ट ऐप का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। अब किस तरह से मेज़र करना है एक्यूरेट आइज़ को वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जूम कर लो फोटोग्राफ को, जितना भी बड़ा ड्रॉ करना है उसके हिसाब से। जैसे कि मैंने इतना कर लिया है तो अब मैं इसको मेज़र करता हूँ। सो अब मैं स्केल का यूज़ करूँगा। तो बस आपने बस मेज़र करना है कि कितने सेंटीमीटर की आई है। तो यहाँ पे देखो 4.5 सेंटीमीटर है, तो इसको बस मार्क करना है आपने। अब बस ये इतना ही पेपर पे मार्क कर लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर का। ये बिगिनर्स के लिए आई थिंक बेस्ट मेथड है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट आइज़ को मेज़र करना है, नोज़ को मेज़र करना है, काफ़ी बेस्ट मेथड है। सो अब मैंने दो डॉट्स लगा दिए 0 से 4.5 सेंटीमीटर पे, तो उसके बीच में अब मैं आई को ड्रॉ कर लूँगा बिल्कुल एक्यूरेट, और बिल्कुल साइज़ सेम ड्रॉ होगा। आप इस मेथड का यूज़ करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और फ़ोन में से भी ड्रॉ कर सकते हैं और प्रिंट आउट में से भी ड्रॉ कर सकते हैं। प्रिंट आउट में से भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही, तो वो वीडियो भी आ जाएगी कंप्लीट की। इसमें आपको ओनली आईज़ और नोज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो जो भी मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं उनके बीच में मैं आई को ऑब्जर्व करके जो भी डार्क एरियाज़ हैं उनको बस ड्रॉ कर लूँगा। और अगर आपको आईरिस को मेज़र करना है या फिर पुपिल को मेज़र करना है, बीच में से लाइन को मेज़र करना है, वो भी आप कर सकते हैं। बस इसी तरह से आपको स्केल का यूज़ करना है और मेज़र करना है कहाँ पे आईरिस है, कितने सेंटीमीटर पे आईरिस है, कितने सेंटीमीटर पे पुपिल है, कितने सेंटीमीटर पे हाईलाइट वाला एरिया है, और उसके हिसाब से आप मार्क करके फिर आप आउटलाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। और इस तरह से भी कर सकते हो जिस तरह से मैंने ओनली दो पॉइंट्स लिए और उन दो पॉइंट्स के बीच में मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे जो हमारी मेज़रमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। सो ये फर्स्ट आई तो ड्रॉ होगी, आप इसको कंप्लीट होने के बाद फिर से मेज़र भी कर सकते हैं एक्यूरेट देखने के लिए कि एक्यूरेट हुई है नहीं हुई है। तो अब आपको अगर दो आई के बीच का डिफरेंस देखना है कितना है, उसको भी आप मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हैं आप 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है। सो ये आप मेज़र कर सकते हैं इस तरह से स्केल का यूज़ करके, और वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे जितने सेंटीमीटर होगा बीच में डिफरेंस उसके हिसाब से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फीचर्स हैं उनकी शेप, उनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो सीधा नहीं है बिल्कुल, जो दूसरी आई है वो थोड़ी ऊपर की साइड है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से भी मुझे मेज़र करना पड़ेगा कितने सेंटीमीटर है, तो उस हिसाब से मैं पॉइंट को मेज़र करके ऊपर की तरफ आई को ड्रॉ करूँगा। सीधा नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं, उस आई के सीधाई में नहीं है, ऊपर की साइड में है। सो ये चीज़ें भी आपने मेज़र करनी पड़ेगी, तभी आपसे बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ हो पाएगा। आई थिंक स्केल का यूज़ करने से आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है मेज़रमेंट की, क्योंकि एक बार आप यूज़ टू हो गए तो आपको पता होगा कि कितने सेंटीमीटर का है उसके बीच में डिफरेंस, और कहाँ पे किस तरह से आपने मेज़र करना है। तो आपकी आई को पता होगा कितने सेंटीमीटर है और किस तरह से आपने आउटलाइंस को ड्रॉ करना है। तो आई थिंक ये बेस्ट मेथड है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो, अगर आप बिगनर हैं तो। अब मैं इस आई को भी मेज़र कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी आई है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे डॉट लगा लूँगा 5 सेंटीमीटर तक। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी इजी मेथड है, बस आपको देखना है और आउटलाइंस को ड्रॉ करना है जो भी डार्क एरियाज है उनको।
सो गाइस आइज तो ड्रॉ हो चुकी है, अब नोज़ को मेज़र करते हैं। तो नोज़ का जो ये वाला पार्ट है इसको मेज़र करते हैं कि जो ये आई का जो कोना है यहाँ पे उससे कितना नीचे है। तो ये है अराउंड 4 सेंटीमीटर। नोज़ को आपको बिल्कुल ध्यान से मेज़र करना पड़ेगा, तभी जो आपकी आउटलाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट लगेगी। तो अच्छे से मेज़र करना पड़ेगा चारों साइड से। तो यहाँ पे जैसे कि 4 सेंटीमीटर तक है, तो यहाँ पे मैं अपने जो ड्राइंग है जो कि मैं आउटलाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ तो वहाँ पे डॉट लगा दूंगा 4 सेंटीमीटर पे। अब नोज़ के इस कोने को मेज़र करते हैं। तो ये जो 5 सेंटीमीटर के पास है, तो ये ऊपर से इस तरह से आ रहा है आई के उस पार्ट से, तो आप इस तरह से मेज़र कर सकते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर के करीब है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर मार्क कर लूँगा। तो अब लेफ़्ट साइड से मेज़र करते हैं। तो देखते हैं यहाँ जो ये वाला पार्ट है, जो ये डेप्थ वाला पार्ट है, तो ये कहाँ तक है। तो ये है अराउंड 5 सेंटीमीटर तक है ऊपर से, तो उसको मैं मार्क कर लूँगा वहाँ से देख के। अब इस साइड से देख लेते हैं कितनी बड़ी नोज़ है। तो ये है अराउंड 5.5, तो ये 5.5 जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस स्टेप से आप बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं स्केल का यूज़ करके, मेज़र करके। और गाइस अगर आपको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि किसी पार्ट को आप बिना मेज़र करे भी ड्रॉ कर सकते हो, तो आप ज़रूर करो। आप देखो आपसे ड्रॉ हो पाता है या नहीं हो पाता है, एक्यूरेट ड्रॉ हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि उसी से आप सीखोगे। तो एक बार ड्रॉ करो और उसके बाद उसको मेज़र करके देखो कि स्केल का यूज़ करके मेज़र करके देखो कि उतना ही ड्रॉ हो पाया है या नहीं हो पाया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कम्प्लीट इस तरह से मेज़र करना है और फिर ही ड्रॉ करना है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जैसे कि मैं नोज़ का जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको बिल्कुल भी मेज़र नहीं किया मैंने, इसको मैं सिंपली अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ बस देख के फोटोग्राफ में। अदरवाइज़ आपको अगर एक एक पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए ना, तब तो आप, मैं कहूँगा आपको पूरा ही मेज़र करके देखो, आयरिस भी मेज़र करो। एक एक पार्ट को अगर मेज़र करोगे ना, एक एक सेंटीमीटर भी आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। और गाइज इसमें आपकी लर्निंग भी होती है, क्योंकि इसमें आपको डिस्टेंस का पता चलता है दो फीचर्स के बीच में कितना डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि आप इस मेथड का यूज़ करके डिफरेंट मान लो पोर्ट्रेट्स को ड्रॉ करोगे, डिफरेंट फेसेस को ड्रॉ करोगे, तो आपको ये पता हो कि मतलब हो क्या सकता है, मतलब बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, कभी आपको बिना देखे कुछ ड्रॉ करना पड़ गया, तो आप काफ़ी एक्यूरेट ड्रॉ कर पाओगे। सो गाइस यही मेन था जो कि मुझे इस वीडियो में आपको बताना था। आइज़ और नोज़ बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये देखो अब काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो पाया है बिल्कुल एक्यूरेट। अब इसको हम शेड कर सकते हैं, इसको मैं बिल्कुल कंप्लीट रियलिस्टिक आपको शेड करके दिखा देता हूँ। बाकी मैंने ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं किस तरह से आप बिल्कुल रियलिस्टिक शेड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस मेथड का यूज़ करके आप कंप्लीट फेस की आउटलाइंस को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो उस पर मैं वीडियो जल्दी ही बना दूंगा। सो गाइस जब इसको शेड करते हैं रियलिस्टिक ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करके, तो मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और इसको अब शेडिंग कर रहा हूँ कंप्लीट। अब मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश का यूज़ करके। आइज़ के डार्क एरियाज के लिए मैं 8वीं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 8वीं पेंसिल से शेड करके इसको फिर से ब्लेंड कर दिया मैंने। बीच में मैंने पेपर स्टम्प का भी यूज़ किया हल्का सा, और आईब्रोज़ के लिए मैंने 8वीं पेंसिल का यूज़ किया, और बीच में हाईलाइट के लिए मैंने टोम्बो 0 इरेजर और वाइट जेल पेन का यूज़ किया, और इस आई में भी सेम वैसे ही मैं शेडिंग कर रहा हूँ। अब की बार मैं 6B का यूज़ कर रहा हूँ, तो डार्क एरियाज के लिए 8B का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से रियलिस्टिक शेड कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह से आप रियलिस्टिक शेड कर सकते हैं। सो गाइस जिसको मैंने कम्प्लीटली रियलिस्टिक शेड कर दिया है ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करके। सो गाइस आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो गिव इट ए बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक डू प्रैक्टिस डू इम्प्रूव टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।